हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मुनी। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही कॉमन इशू शेयर कर रही हूँ, जो है डार्क नेक का। मुझसे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि डार्क नेक पर कोई रेमेडी बताऊँ, तो मैं आपको एक होम रेमेडी बता रही हूँ जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं डार्क नेक की। डार्क नेक किन किन रीज़न से हो सकती है वो मैंने मेरी पिछली वीडियो में शेयर करा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप उसमें क्लिक करके पहले रीजंस जान सकते हैं। और अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से डार्क नेक नहीं है और ना कोई डिजीज़ की वजह से है, तो आप इस होम रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको सन टैन, पिगमेंटेशन, पैचेस, डार्क पैचेस इन सब की वजह से है, या फिर अनहाइजीनिक कंडीशंस, या फिर आप अच्छे से केयर नहीं कर रहे हो उसकी वजह से डार्क नेक गंदगी हो गई है, या फिर सन की वजह से हो गई है, तो आप ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करना। बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी ये आपको रिजल्ट्स देगी। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि एक दो बार में ही आपको रिजल्ट आएंगे, बट हाँ, अगर आप इसका अच्छे से यूज़ करेंगे बार बार, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और हाँ, पहली बार में रिजल्ट्स हल्के दिखना तो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज़रूर आप इस रेमेडी को ट्राई करना, बहुत अच्छी रेमेडी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप काली गर्दन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, बहुत ही आसान और नेचुरल तरीके से। आपको इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए बहुत ज़्यादा बाहर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही सारे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, किचन में ही सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो आइए, चलिए देखते हैं ये आसान सी रेमेडी क्या है और हमें इसे कैसे करना है। तो विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। इस रेमेडी को करने के लिए बस आपको तीन आसान सी चीज़ें करनी है, वो है स्क्रबिंग, फेस पैक और मॉइस्चराइजिंग। बस ये तीन चीज़ें करना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। ये तीन अगर आप फॉलो कर लेंगे तो मैं बता रही हूँ आपको कि आप काली गर्दन से छुटकारा बहुत जल्दी पा लेंगे। तो अब हम हमारी रेमेडी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हल्की सी स्टीम दोगे अपनी नेक को। आप स्टीमर से दे दो या फिर आप कोई भी एक कॉटन का कपड़ा ऐसे गर्म पानी में डुबो के और फिर आप अपने गर्दन को अच्छे से स्टीम दे दो, थोड़ी सी दे, एक दो मिनट ही आपको देना है, से बहुत ज़्यादा नहीं। तो इससे क्या होगा, आपके जितने भी पोर्स हैं वो सब ओपन हो जाएंगे और हमारी रेमेडी इफ़ेक्टिवली काम करेगी। तो आप ऐसे इसको स्टीम दोगे। स्क्रबिंग के लिए आपको चाहिए 2 चम्मच राइस फ्लावर, यानी चावल का आटा। आप चावल को बारीक सा पीस ले और इसके साथ आप ऐड करेंगे 3 से 4 स्पून रोज़ वाटर के। राइस फ्लावर रिमूव करता है सारी डेड स्किन को, एक नेचुरल एक्सफोलिएटिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये आपके स्किन टोन को ब्राइटन करता है। रोज़ वाटर जो है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है और आपके स्किन को ग्लो देता है। ऐसा पेस्ट आप तैयार कर लेंगे स्क्रबिंग के लिए। आप क्वांटिटी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्क्रबिंग से। स्क्रबिंग के लिए जो हमने ये स्क्रब बनाया है, इससे हम स्क्रबिंग करना स्टार्ट करेंगे। अपनी पीछे की गर्दन को, आगे की गर्दन को, सबको आप अच्छे से स्क्रब करेंगे। स्क्रबिंग आप 5 मिनट करोगे, स्क्रबिंग अच्छे से करोगे पूरा, ये सारी डेड स्किन निकालेगा, जितनी भी गंदगी है सब निकालेगा और आपके सेल्स को, जितने भी आपके डेड सेल्स हैं वो सब अच्छे से निकाल के आपकी टैनिंग को कम करेगा। ये स्क्रब बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो आप अच्छे से, बहुत अच्छे से स्क्रब करोगे। एक्सफोलिएट करने के बाद आप इसको ठंडे पानी से धो लोगे। पैक बनाने के लिए आपको 2 टेबलस्पून आटा लेना है, व्हीट फ्लावर। ये आपको अच्छे से क्लेंस करता है आपकी स्किन को सारे हार्मफुल टॉक्सिन्स निकाल के और आपको सन डैमेज के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करता है। फिर आपको इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून कर्ड का।
ये इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है और आपके स्किन को हाइड्रेट करता है और इम्प्रूव करता है। पटेटो जूस के लिए आप सबसे पहले एक आलू लेंगे, उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे सारी मिट्टी को, फिर हम इसे ग्रेट कर लेंगे एक ग्रेटर से और उसके बाद हम इसका सारा रस निकाल लेंगे। अब ग्रेट करने के बाद आप ऐसे इसका पूरा जूस निकाल लीजिए। अब इसमें हमने जो पटेटो जूस निकाला था वो ऐड कर देंगे। आप पटेटो जूस लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून। पटेटो जूस बहुत अच्छा है, एक ब्लीचिंग एजेंट होता है, ये सारा आपका अगली स्पॉट्स ब्लेमिशेस निकालने में हेल्प करता है, ये स्किन में एक ग्लो लाता है। इसमें पोटेशियम सल्फर होता है और कई तरह के तत्व होते हैं जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाते हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हल्दी का। हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है, इम्प्योरिटीज़ को हटाने, जर्म्स को हटाने के लिए मदद करती है और इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, स्किन को रिपेयर करती है। अब हम सारा पैक अच्छे से मिला लेंगे और इसकी अच्छी सी कंसिस्टेंसी बना लेंगे, स्मूथ सी। तो ये बन गया हमारा पैक, इसकी कंसिस्टेंसी आप देखो, इस टाइप की कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। आप धोने के बाद इसको ऐसे पोंछ लोगे और उसके बाद आप ये पैक जो हमने तैयार किया है वो लगाएंगे। इस पैक को आप अच्छे से अप्लाई करोगे और उसके 10 से 15 मिनट रखने के बाद आप इस पैक को धो लोगे ठंडे पानी से। पैक को 10-15 मिनट रखना, उसको सूखने के बाद ही वॉश करना। जो लोग ब्रश से नहीं लगा पाते तो मैं उनके लिए बताती हूँ कि आप हाथ से भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, उतना ही अच्छे से लगता है ये हाथ से भी। और सेम आप इसको पीछे भी अप्लाई कर लोगे। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं, ये जब सूखने लगेगा तो हम इसको स्क्रब करते हुए, मतलब थोड़ा सा हल्के हाथों से मलते हुए हम इसको निकाल लेंगे ठंडे पानी से और अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो मैंने वॉश कर लिया है, अब हम अच्छे से इसको पोंछ लेंगे। मॉइस्चराइज़र बनाने के लिए हमें 2 स्पून एलोवेरा जेल लेना है। आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर लो, आप नेचुरल एलोवेरा जेल भी ले सकते हो। और इसके साथ साथ हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल का। एलोवेरा जेल जो है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, रिजुविनेट करता है और आपको फ्रेश रखता है पूरे टाइम। कोकोनट ऑयल जो है उसमें इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो फाइट करती हैं स्किन की एजिंग से, और ये बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव मॉइस्चराइज़र देता है। अब हम इस पे ये वाला मॉइस्चराइज़र जो हमने बनाया है वो अप्लाई कर लेंगे ताकि हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रहे, और जितना भी हमने स्क्रब किया है और सब किया है तो हमारी स्किन को रिप्लेनिश हो और अच्छे से एक सूदिंग मिले। और अब स्किन को हम काम डाउन करेंगे, तो आप इस पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे ये वाला। तो हमने सारी रेमेडी सीख ली है, तो अब हम फटाफट इस रेमेडी को ट्राई करेंगे और आप इस रेमेडी को 3 से 4 बार ज़रूर करें वीक में। रिजल्ट्स धीरे धीरे मिलते हैं बट मिलते बहुत अच्छे हैं, आपका ज़रूर सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन कुछ पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो आपको इसको बस करना है, अपनी कंसिस्टेंसी रखनी है। और आप इंग्रेडिएंट्स, सूखे वाले इंग्रेडिएंट्स तो आप मिक्स करके रख सकते हैं, जैसे आप आटा पीस कर रख लो, आप बाकी सब तो अवेलेबल है ही। बस एक आलू का रस है जो आपको निकालना रहेगा। मॉइस्चराइजर क्रीम आप 7 दिन की बना के रख लो, आप रोज़ वही अप्लाई करो, बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। तो आप एक बना के एक डब्बी में स्टोर कर लो, इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले, आपको पसंद आई ये रेमेडी की नहीं आई, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस रेमेडी के साथ साथ आपको अपना हाइजीन मेंटेन करना है, अच्छा हाइजीन रखना है, फेस के साथ साथ रोज़ नेक को भी वॉश करेंगे
और साथ में रोज डे टाइम में आप सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे, जब आप फेस पे अप्लाई करते हो तो आप नेक पे भी अप्लाई करेंगे, तो सनस्क्रीन अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलना, तो रिजल्ट्स बहुत इफ़ेक्टिव दिखेंगे आपको। और ये वाली रेमेडी मेरी बहुत ही यूज़फुल रही है, एंड ये रेमेडी से स्किन ब्राइटन होती है, इवन टोन होती है। और आपको रेमेडी पसंद आई हो तो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करिएगा। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल हो, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो इससे, कम हो इससे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को हिट करिएगा ताकि सबसे पहले आपको ही वीडियो मिले। तो मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।